बता मुसलमान क्या तरीका है, बता कुकुर से बड़ा होगी, कुकुर तुमसे छोटा है, 10-11 बजे तक कुकुर सुत गया और 1:30 बजे तक जागल, फ्री फायर पबजी, 8 बजे टान के सुत के उठा, मुंह उसका देखना लगता है मुर्शिदाबाद से भाग के आया, नक्शा पर्चा बदला हुआ, अजब रंग होता है, क्यों तुमने पढ़ाना छोड़ दिया, हम लोगों के बात हल्के में लेता, जानता है मौला आलिम कितनी तनख्वाह, 5-6 हजार रुपए तनख्वाह है, तीन की बात में क्या लेंगे, हम लोगों की तनख्वाह 22-25-50 हजार होती, लोग देखने निकलता 50 हजार का मौला कैसे रहता, 6 हजार के मौलवी बैठा ले बैठ ले, सबसे हल्का हम इन लोगों को ले, वो लोग तो ले ही रहा है, आप लोग भी ले रहे हैं, इस्लाम पूरी दुनिया लग जाए लेकिन इस्लाम कुछ नहीं इस्लाम को बिगाड़ पाएगा, वो बिगड़ जाएगा हमको नहीं बिगाड़ पाएगा, बोलने वाला बोलता है, अगर मेरे नाम से कोई किसी की राजनीति की रोटी सिका रही तो सेकने दो, मेरे नाम से कोई अगर कमा रहा खा रहा कोई कुर्सी पर बैठा मुसलमान के नाम से तो खाने कमाने दो, हम लोग के नाम में बड़ी पावर है, बड़ी बरकत है, जो भी पार्टी हम लोग को नाम लेके उठा वो ऊपर उठी, इस नाम में बरकत, इस नाम में बरकत है, जो भी नाम लेके उठाओ ऊपर उठ गया, सोशल मीडिया में चमकना है, इस्लाम के खिलाफ कोई बक दिया चमक गया, जनता के इसी में टच करो, ये बड़ी पावर वाले चीज है, अब सोना चांदी टच करेगा, कोई लोहा पखल खाकर टच करेगा, हम लोग को टच करे, जनता की कीमती है, ये कौम जिस रास्ते से चलती है दुनिया देख के हैरत से कहती है, इसलिए लोगों अपने औलादों को पढ़ाओ, घर मकान मत बना, टाइल्सल मार्बल मत लगा, कीमती गाड़ी मत खरीद, उन पैसों से बेटों को पढ़ाओ ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा समाज का हिस्सा बनेगा, देश का हिस्सा बनेगा, अपने खानदान को बचाएगा, ईमान को बचाएगा, समाज में अच्छे रोल अदा करेंगे, दुनिया कहेगी देख यही मुस्लिम समाज है जिसके धर्म में शराब हराम है, ये शराब देखता तक नहीं, ये न शराब छूता तक नहीं, शराब पीता तक नहीं, वो सोचता है कि हम लोग पी के बहुत बड़ा कर रहे हैं, याद रखना मरने से पहले शराबियों का नक्शा बदल जाता है चेहरे का, याद रखो उसका होंट काला पड़ जाता है, चेहरे का टेढ़ा हो जाएगा और कफन में इतना भयानक दिखाएगा ना इसका कोई हद नहीं है, अगर पीते हो कोई तो तौबा कर लो, ये महीना रजबुल मुरजब का है, खाजा का महीना है, खाजा बाबा के यहाँ लोग जा रहे हैं, इरादा हो तो आप भी जाएं, खाजा की नगरी देख क्या है, जाके नेक वलियों की बारगाह में दुआ करोगे तो दुआ कबूल हो, नेक की बारगाह में दुआ करो तो दुआ कबूल होती है, एक दिन मरना सबको हो, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, मरहूम हाजी साहब चले गए अब वो नहीं लौटेंगे, हाजी साहब है कि नहीं, वही हाजी साहब चले अब, हाँ नाम है अब हाजी उमर अली साहब, अब नहीं लौटेंगे, अब नहीं आएंगे वो दोबारा खाने के लिए घर, अब उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, ना कम्बल चाहिए, ना रजाई चाहिए, ना दवाई चाहिए, कुछ नहीं, ना कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं, उनके नाम पे साले सवाब कर रहे हैं, औलाद का ही हक बनता है, जब तक माँ बाप जिंदा है घर में है उसकी सेवा करो, चेहरा देखो, मोहब्बत करो, टाइम पर खाना पीना खिलाओ, फल फ्रूट मिलता है, मोड़ तरफ जाते हो सामने मोड़ है, मोड़ में जाते हो अच्छा फल मिला 1 किलो लाके माँ बाप को दे दो, माँ इसको खाइए, दुआ कीजिए, आप मुझको डेली 3 किलो दूध पिला के सुलाती थी ना माँ, हम तो दूध नहीं पिला सकेंगे, हम कमा रहे हैं 1 किलो सेब लाए, माँ तू खा ले, दुआ करना, माँ तू राजी रहेगी, रब राजी होगा, और तेरे दुआ में बरकत है माँ, तेरे चेहरे में बरकत है माँ, अगर तू राजी होगी तो रब राजी होगी, मोड़ जाना बाप के लिए कुछ लेते आना, अपने जाके मोड़ में चिकन चिल्ली खाएगा, चौमिन गुपचुप, अरे वो पुड़िया फाड़ के फेंकेगा, और घर में आकर सुत गया चुपचाप, ने माँ का ख्याल ने बाप को पूछा, टीवी देख के मोबाइल देख के चल, 75% बेटा बाप को कोई पूछता तक नहीं, इतने लोग बैठे हो ईमान से बताओ, अब तो सेब का सीजन जा रहा, अंगूर का सीजन आ रहा, 2-3 महीना सेब का सीजन होता है, 80-100 रुपया में अच्छा क्वालिटी सेब मिलता था इसी जगह, किसी ने खरीद के 1 किलो लाके अपनी माँ को दिया कि माँ ये सेब खा के तो दुआ करना, नहीं हम लोग कब सेब खिलाते हैं, मरने के टाइम, जब माँ बाप खाने पीने व्यवस्था नहीं रहता है, जब उसका मुंह बंद हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, तब देखिएगा बेटा रस मलाई सेब संतरा समझी दमा सब फल लेके दौड़ रहा है,
खटिया बुढ़वा में पड़ल है बुढ़वा में खाटी में बुढ़वा पड़ल सेब संतरा बेटा एकदम रसमलाई लेके आया है एक दोना एक शराब होता है ना सामने खड़ा है बाप ए बाबा हमें बड़का लगियो बाप चिन ले बोले रसमलाई खो बाप ले मुंह खोल 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 बुढ़वा रसमलाई हाथ में बुढ़ाई ऊपर खिला भी नहीं पाया अच्छा मरने के में रसमलाई अभी गुलगुला नहीं देता अभी गुलगुलवा नहीं बाप को देगा अभी बहू सब देखिए सास पर कोई ख्याल नहीं अभी सास बेचारी जिंदा है तीन चार बहू है कोई गम नहीं गरम पानी बहू मांग सास मांगती है बहू से कोई ख्याल नहीं लेकिन वही सास जब खाती पकड़ लेगी सब बहू सब दूध लेके दौड़ेगी कल तक लाए चाय नहीं देती आज दूध माँ ए माँ हमें छुटकी लागियो माँ अब बुढ़िया टुकुर टुकुर देख रहे सास तो लाल चाय नहीं दे ले बहु हाय दूध लेके अब बुढ़िया बेचारी चुपचाप अब माँ माँ एक डिले माँ ले 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 बुढ़िया डूबी हाथ है बुढ़ी ऊपर पीला भी नहीं अच्छा उस टाइम में खाने पीने टाइम है अभी खिला अभी अच्छा एक दुगो बहु जबरदस्ती पिला दिया अब दो चार घंटा बेचारी पहुंचबो करती दूध वा दे दिया एक बकेगा अब उसकी बहु पूरे गांव में चर्चा ए दीदी हमरा सास हमरे हाथे पी मरलो दीदी लास्ट पानी हमरे हाथे लेके मरी गेलो हमने तो हाथे ने हमने तो मार देना जानी दो चार घंटा पहुंचबो कर तो मर गया अब लाभ मर गई पूरे गांव में चर्चा बोल दीदी हमारे सास हमरे हाथे मरलो लास्ट पानी हमरे हाथे ने अब उस टाइम एक बकवा मरा दिया अभी खिला अभी पिला अभी तो वाले अभी खाने के टाइम में खिला ले पिला ले और जब दुनिया छोड़े उनके नाम पे साले सबाब करो क्योंकि माँ बाप खा के पी के दुआ करेंगे कसम खुदा की याद रखो हम मौलाना है रात भर तकरीर करके दुआ दे के जाएंगे गारंटी नहीं लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक माँ आंचल उठा दे और वो माँ अगर मुंडराटी में आंचल उठाए बेटा बम्बे में हो और मुसीबत में वहां हो माँ यहाँ से दुआ करे बेटा वहां मुसीबत से छुटकारा मिले आप लोग ठीक ठाक सुन रहे हैं एक घंटा तो हमको बोलना होगा एक घंटा सुनिएगा ना लेकिन आज का सिस्टम मुर्रादी का अलग सुभान अल्लाह कह रहा है ना इनकमिंग चालू है ना आउटगोइंग हो रहा है इसे मन लगेगा ये जब कोई जलसा मिला करे तो बीच में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए क्या इमाम साहब आप कैसे सिखाए खाली तोरे साहब तो हमने की अच्छा है इमाम साहब बेचारे बहुत अच्छे मुखरी है जब भी जलसा मिलाद हो कोई सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोला कीजिए बात अच्छी लग जाए तो शायर मुखरी नकीब को हम सुभान अल्लाह से भी इनाम से भी नवाजा कीजिए ताकि वो हौसला बढ़े ये सिस्टम चला है परंपरा इसीलिए ये सिस्टम चला है जरा कलकत्ता गुजरात बम्बई से शायर आएगा जलसा बड़ा दे रहा है दे रहा है हाथ में नहीं मथवाम देता है हम लोग हाथ में नहीं देता अब हजरत डेढ़ घंटा बोल अच्छा सुख ले कितना बोलेगा कहिए सुभान अल्लाह मेरी तकरीर में बीच बीच में सुभान अल्लाह अपने से पढ़िए तो थोड़ा सा हाथ उठाइएगा भी और जुबान से खोलिएगा भी मुसलमान अब बोलना छोड़ दिया इसीलिए मुसलमान के साथ ही मामला हो रहा है बुजदिल बन गए हिम्मत खत्म पढ़ेगा नमाज तब ना ईमान पर है नहीं सही से दिन रात टीवी दिन रात मोबाइल दिन रात गाड़ी खाली कमाने के चक्कर में कुछ नहीं ईमान क्या है इस्लाम क्या है मरना है कफन ओढ़ना है याद रखो सबको मरना होगा अच्छा तुम दिया बेटा ने किसी ने भेजा अल्लाह ताला इस बच्चे को और देने वाले की उम्र में बरकतें आता फरमा एक बात ही मैंने कह दिया ऐसा कोई मसला नहीं है और अगर आप लोग देते हैं तो हम उसको छोड़ते भी नहीं है माशाल्लाह
बहुत देखिएगा शमी फजू को दे रहे थे अभी, सब नीचे रख रहा था, रख रहा था। हम नीचे पैसा कभी नहीं रखते, हम जब भी कोई देता है मोहब्बत से प्यार से प्रेम से पॉकेट में रखते हैं। यकीन नहीं होता तो देखे देखिए, हम कभी नीचे नहीं रखेंगे। अरे माशाल्लाह, हाजी साहब के लोग कोई है? अरे सब नाती पोता सब है ना? अरे माशाल्लाह, दमा सब कहाँ? होना चाहिए, जब ससुर है तो मोहब्बत जाहिर करो, नाती पोतम जाहिर करो, यही सब तो एगो जरिया है। अरे फिर वो हाजी साहब चले गए अपनी ड्यूटी बजा के, अरे वहां कलीम साहब बड़ी नसीब वाले हैं जिनका दामाद कोई, अरे माशाल्लाह दामाद है ना, कहाँ के हैं ये? बगल के हैं ना, 100% बहुत दिन के बाद देखे, बहुत दिन के माँ साहब एक जगह दूध सवा दे दिया था, थरी उठ गया था। अरे माशाल्लाह एक जगह दूध सवा दे दिया था, आ, बेटा है माशाल्लाह, थरथरी उठ गया था। हाँ अरे वहां दे दिया था 500 कोमम चले गए, ये तो यहीं तक कोई 2000 दे देगा खाटी में ले जाना। कि आप सुन रहे हैं बहुत बढ़िया। तो एक दिन मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, तो जब